हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है। तो ये देखिए, ये इसको तो हम स्वेटर और ये कैप, ये हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। इनका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि आज जो हम बनाने वाले हैं इसके साथ के, ये देखिए शूज़ बनाने वाले हैं आज की वीडियो में, तो हम ये सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था, मैम इसके साथ के शूज़ बनाना सिखाइए। तो आज हम ये बनाएंगे और उम्मीद करती हूँ जितना प्यार आप लोगों ने मेरी पहले वाली इन दोनों वीडियो को दिया है, इतना ही इसको देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ठीक है, अब हम इस बूटी को बनाना सीखते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए हैं। ये जो मैंने फंदे डाले हैं 33 स्टिचेस डाले हैं टोटल, और उल्टी तरफ से एक सीधी सिलाई भी बना ली है। अब हम इसके सीधी तरफ हैं और ये मैंने फंदों का डिवीज़न भी कर दिया है। जो फंदों का डिवीज़न किया वो किस तरह से किया वो देखिए। पहले ये एक फंदा लिया, उसके बाद मैंने एक ये मार्कर लगाया, फिर ये 15 फंदे लिए, उसके बाद ये एक मार्कर, फिर एक फंदा, फिर से एक मार्कर, फिर 15 फंदे और लास्ट में भी एक फंदा है हमारे पास। तो एक बार दोबारा से बताती हूँ, देखिए 1, 15, फिर से 1, फिर 15 और 1, तो टोटल 33 फंदे हो गए ना। ये देखिए 15 प्लस 15 30, और एक ये 31, एक ये बीच में 32 और ये 33। तो अब हम ये सोल रेडी कर रहे हैं, ये शूज़ का ये वाला पार्ट अब हमारा रेडी होगा। तो ये देखिए कैसे होगा। सबसे पहले सीधी तरफ है पहला फंदा, हम उल्टे फंदे बना रही हूँ, मैं उल्टी उल्टी सिलाइयों से बना रही हूँ। आपकी मर्जी हो तो आप इसको सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए पहला फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे मार्कर के साथ एक स्टिच इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। अब मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो बीच में 15 फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे हम, अब यहाँ पे भी एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे और ये फिर एक फंदा उल्टा। अब ये मार्कर से इधर भी एक फंदा और बढ़ा देंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए, अब ये मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे और 15 फंदे फिर से उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी यहाँ पे बीच में 15 फंदे हो गए होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 3, 15। अब हम इस मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और ये जो एक फंदा था इसके इधर भी हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे इस तरह से। और ये लास्ट फंदा। अब हम बैक साइड पे हैं इसके। अब यहाँ पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, अब हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। अब इस मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे हम।
और ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। तो अब ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना के और फिर दिखाती हूँ। तो अब ये सीधी तरफ आ गए, उल्टी तरफ से हमने बना लिया है। अब यहाँ देखिए, ये पहले एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर उसके बाद ये वाला फंदा भी। अब इस मार्कर के साथ फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब मार्कर को इधर शिफ्ट कर लेंगे और बीच के ये 15 फंदे हैं जो यहाँ तक के, ये हम सारे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब इस मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे हम। अब बीच में ये 3 फंदे फिर से सीधे, तो ये बीच में भी हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। पहले एक था, फिर 3 हुआ, 3 हुए, अब 5 हो जाएंगे। अब इस मार्कर के साथ फिर से फंदा बढ़ाएंगे और ये 15 फंदे फिर से हम सीधे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। और इस मार्कर को भी अब हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास मार्कर के बाद यहाँ पे फंदा हम बढ़ा लेंगे। और ये और बैक साइड से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब यहाँ पे 3 फंदे हो चुके हैं हमारे और इस मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और बीच के फंदे, ये सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, सीधी सिलाई पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं हमें और फिर से एक फंदा इधर। तो इस तरह से टोटल हमें 4 फंदे बढ़ा लेने हैं यहाँ पे। 2 फंदे मैं बढ़ा चुकी हूँ और 2 फंदे और बढ़ेंगे। अब ये उल्टी जाएगी, फिर सीधी जाएगी, एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर उल्टी, फिर सीधी जाएगी, तो एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 4 फंदे बढ़ा के उसके बाद फिर एक सिलाई हमें प्लेन देनी है जिसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो मैं ये बना के 4 फंदे बढ़ा के एक सिलाई प्लेन बनाने के बाद जिसमें मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, इतना पार्ट मैं बना लूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए, मैंने ये इतना पार्ट बना लिया, इसमें यहाँ से मैंने 4 फंदे इंक्रीज कर लिए, यहाँ पे 8 फंदे और यहाँ पे भी 4 फंदे, और एक सिलाई मैंने प्लेन भी बना ली है जिसमें मैंने कोई फंदा नहीं बनाया, एक उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी सीधी। तो अब मेरे यहाँ पे टोटल फंदे हो गए हैं 33 फंदे डाले थे हमने शुरू से, 33 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए, 37 और 4 यहाँ पे, 41 और 8 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़े, 49। तो टोटल 49 फंदे हो गए, 33 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए अब सीधी तरफ है यहाँ पे और यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। अब हम ये हमारा सोल वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया।
अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है ये वाला पार्ट। तो इसके लिए एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। पहले सीधी तरफ से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। तो जब मैं इसकी बैक साइड पे आ जाऊंगी, थोड़ा सा चेंज है, उल्टा सीधा तो है बट थोड़ा चेंज है, वो मैं बैक साइड पे आके बताती हूँ। तो ये सिलाई हम पूरी ऐसे एक उल्टा और एक सीधा का बना लेते हैं। तो अब ये हमारी सीधी तरफ से एक सिलाई हो गई है उल्टे सीधे बॉर्डर से। अब हम इसके बैक साइड पे हैं, तो यहाँ पे भी जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बनाना है, बट सीधे फंदे को थोड़ा अलग से बनाना है। ये देखिए, अब एक फंदा उल्टा बना लिया। अब ये जो सीधा फंदा है वो हमें नीचे से बनाना है, इस तरह से, फिर उल्टा और सीधा फंदा बस नीचे से बनाना है, उल्टा फंदा और सीधा फंदा नीचे से। तो इस तरह से हमें चार सिलाइयाँ बनानी है। ये मेरी दूसरी सिलाई है, एक हम सीधी तरफ से दे चुके हैं, ये दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, और फिर एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से। इस तरह से चार सिलाइयाँ हो जाएंगी हमारी। और ये सेम इसी तरह से सीधी तरफ से भी इसी तरह से ही बनाएंगे, जो सीधा फंदा होगा वो नीचे से ही लेंगे और जो उल्टा फंदा होगा वो वैसे बनाएंगे। तो ये चार सिलाइयों का मैं बॉर्डर बना के फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये चार सिलाइयाँ बना ले, सेम बनाना है हमने, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ऐसे ही उधर से बनाएंगे। अब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर इधर से एक सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर उल्टी तरफ से एक सिलाई और बना के फिर सीधी तरफ आ जाएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये चार रो बना ली है बॉर्डर की। अब इसके बाद साथ में मैंने ये फंदों का डिवीज़न भी कर दिया है। तो ये फंदों का जो मैंने डिवीज़न करा है इस तरह से करा है, हमारे पास टोटल थे 49 फंदे और इसमें से यहाँ पे मैंने 16 फंदे रखे, यहाँ पे भी 16, 16 और 16, यहाँ पे 32 और 17 फंदे बीच में, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस ये बीच वाले जो फंदे हैं ये 17 है, तो 49 फंदे हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट शुरू करेंगे, इसका पैटर्न भी डालेंगे और साथ में ये जो बीच में ये कटिंग है ये करेंगे। बीच वाले जो 17 फंदे हैं यहाँ पे कटिंग होगी और इन फंदों पे ये इधर वाले 16 और इधर वाले 16 फंदों में पैटर्न डालेगा। तो अब मैं ये साथ साथ पैटर्न भी बताती जाती हूँ और फंदों की कटाई भी बताती हूँ। पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके भी चेक कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे भी एक बार बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये छः रो का पैटर्न है, इसको मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए, पैटर्न की जो पहली रो है वो तो सीधी है, तो पहले ये हम 16 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और ये इसको यहाँ पे हम कर लेंगे। अब इन जो बीच के 17 फंदे हैं यहाँ पे हमें कटिंग करनी है, वो कटिंग किस तरह से करनी है, 17 फंदों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 और 7, 7 फंदे इधर, 7 फंदे इधर, 14, और बीच में जो 3 फंदे बच जाएंगे उसमें हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कटिंग करते टाइम वही बॉर्डर वाला पैटर्न करेंगे, सीधा फंदा नीचे से और उल्टा फंदा ऐसे ही सिंपल, 2, अब ये 3, 4, 5, 6, 7,
सात, और अब ये धागा पीछे ही रहेगा, सात फंदे यहाँ पे बना लिए और सात फंदे यहाँ पे, ये देखिए दो चार छः और सात, ये बीच में जो तीन फंदे रह गए इनका हम तीन फंदों से एक फंदा बनाएंगे वो इस तरह से, ये देखिए ये बीच वाले फंदे को मैं निकाल लूँगी इस तरह से, और यहाँ से फिर दो फंदों का एक फंदा कर दूँगी, और ये जो सीधा फंदा है इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो जैसे हम वी गटले की कटाई करते हैं वैसे ही ये चेन बन जाएगी। और इसमें ध्यान रखें कटिंग करते टाइम ये जो सेंटर वाला फंदा सीधा आना चाहिए हमारा, जो तीन फंदे थे एक इधर उल्टा था एक इधर उल्टा था, ये बीच में सीधा फंदा आ गया। अब हम पहली बार ऐसा होना चाहिए, उसके बाद आपके कोई भी फंदे आ जाएं, उसके बाद फिर से वही बॉर्डर, एक फंदा नीचे से उल्टा सॉरी सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा। अब ये इसको इधर करेंगे, और ये हमारे पैटर्न वाले फंदे हैं ये सीधे सीधे बनाएंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए, तो ये 16 फंदे तो उल्टे बनाएंगे, और अब मार्कर को इधर करेंगे, और बीच में ये जो बॉर्डर वाले फंदे हैं जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, उल्टे पे उल्टा सीधे फंदे को नीचे से सीधा उल्टा सीधा। फिर से उल्टा, अब यहाँ पे सेंटर में देखिए तीन फंदे उल्टे आएंगे, तो ये तीनों फंदे उल्टे बनाएंगे हम, अब धागा यहीं रहेगा, और ये 16 फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बनाएंगे। अब हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं इसकी, अब यहाँ पैटर्न शुरू होगा। ये देखिए पहला फंदा बना लेंगे और दूसरा फंदा भी एक बनाएंगे, फिर इसके बाद दो फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से एक एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे, और धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बना लिया, तो एक फंदे से तीन फंदे बनाने हैं। फिर हमने एक फंदा बनाया, फिर एक एक्स्ट्रा फंदा निकाला, धागा अपनी तरफ, एक से तीन फंदे, तो यही रिपीट करते जाना है। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे।
अब ये देखिए मार्कर से इधर वाला एक फंदा सीधा बनाया। अब मार्कर को इधर करेंगे और यहाँ पे बीच में हमारा ये बॉर्डर वाला पैटर्न है तो ये बॉर्डर वाला पैटर्न रहेगा, और साथ में यहाँ बीच में फंदे की भी कटाई करेंगे। ये सीधा फंदा नीचे से, उल्टा फंदा सीधा, फिर से नीचे से। पहले हमने 7 फंदे बनाए थे, अब 6 फंदे बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गए 2, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पे हम 3 फंदों से फिर से एक फंदा करेंगे। अब ये देखिए ये सेंटर वाला फंदा यहाँ से निकाल लूँगी मैं, और इन 2 फंदों का बैक से एक करके और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे, और फिर एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा नीचे से, उल्टा, सीधा फंदा फिर से नीचे से, उल्टा, सीधा नीचे से। और अब यहाँ से अब इन फंदों पे फिर से पैटर्न डालेंगे। अब यहाँ देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर उसके बाद 1 से 3 बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, 1 से 3। एक फंदा सीधा, 1 फंदे से 3 फंदे बनाए, 1 फंदा सीधा 1 से 3। और लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, ये 15 रो में पैटर्न डलेगा, यहाँ बॉर्डर वाला पैटर्न रहेगा और यहाँ पे फिर से पैटर्न डलेगा। तो अब ये देखिए पहले एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा और उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 2 फंदों से एक फंदा करना है, तो ये जो 2 फंदों से एक फंदा करना है, सबसे पहले हमें जो 1 से 3 फंदे बनाए थे ना हमने, उनमें से 2 फंदे पहले लेने हैं, ये वाले, और फिर ये वाला एक फंदा और एक नेक्स्ट फंदा, यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा। तो पूरी सिलाई में इसी तरह से करना है, 2 फंदों का एक फंदा ही करते जाना है। बट जो पहले 2 फंदे आएंगे वो वाले आएंगे जो 1 से हमने 3 फंदे किए थे उनमें से पहले वाले 2 फंदे लेने हैं हमने। ये 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा ये और एक ये। तो पूरी सिलाई में इसी तरह से करते जाएंगे पैटर्न तक। फिर से 2 फंदों का एक फंदा और लास्ट में ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा, और इसको इधर करेंगे। अब ये एक फंदा उल्टा, ये बीच में बॉर्डर वाले फंदे आ गए, अब हमारे एक फंदा सीधा, फिर से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा, सीधा। उल्टा, सीधा, उल्टा, और सीधा था सॉरी, ये उल्टा। और अब यह यहाँ पे फिर से पैटर्न डालेगा।
अब यहाँ से ध्यान देना है फिर से वही कि जो पहले हमें दो फंदों का एक तो करना है, बट कौन से फंदे लेने हैं पहले, जो हमने एक से तीन करा था तो ये वाले वो फंदे हैं। तो इसमें पहले एक फंदा सिंपल आएगा, तो ये वाले जो तीन फंदे हैं एक से तीन किए हुए हैं, तो इनमें से पहले दो फंदे ये वाले ले लेंगे, फिर दो का एक। अब ये फिर से वही है, एक से जो तीन करे हुए थे, फिर तो पूरी सिलाई में अब इसी तरह से दो दो फंदों का एक एक फंदा करते जाएंगे। और लास्ट में अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। तो अब सीधी तरफ से कैसे करेंगे, यहाँ भी पैटर्न डलेगा क्योंकि छह सिलाइयों का पैटर्न है, तो चार हो गई। अब पांचवी सिलाई, ये पहला फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्किप करेंगे और ये इस तरह से बना लेंगे। तो ये एक जाली से फंदा बढ़ गया और ये जो स्किप किया हुआ था फंदा, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये इन दो फंदों में से एक फंदे को ऐसे स्किप करेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे, और स्किप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतारेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ और ये स्किप किया फंदा, और ये स्किप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से और लास्ट फंदा ये वाला पैटर्न का सीधा। अब मार्कर को इस तरफ करेंगे, अब ये हमारे बॉर्डर वाले फंदे शुरू हो गए और बीच में कटाई भी करते जाएंगे। सीधा फंदा नीचे से लेना था हमें, और उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से सीधा फंदा नीचे से, उल्टा फंदा उल्टा। अब हमारे यहाँ पे पांच फंदे आएंगे, दो दो चार और एक पांच। अब फिर से इन तीन फंदों का एक फंदा करेंगे, सेंटर वाले फंदे को मैं यहाँ ले लूँगी, और इन दो फंदों का एक फंदा बैक से और ये इसके ऊपर से, और फिर से सीधा फंदा नीचे से, उल्टा फंदा सीधा, उल्टा सीधा। अब मार्कर को इधर करेंगे और पैटर्न शुरू करेंगे। अब ये दो फंदे दिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, धागा पहले अपनी तरफ लेके आएंगे, ये फंदा इस तरह से उतार लेंगे और इस तरह से इसको इसके ऊपर से निकालेंगे। तो ये पैटर्न वैसे ही रिपीट होगा जैसे हमने पीछे किया है। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्किप करेंगे, इसको इसके ऊपर से उतारेंगे। ये दो दो फंदों का पैटर्न दिखता है आराम से, तो इनमें से एक फंदा लेना है हमने धागा अपनी तरफ करके, और ये लास्ट के दो फंदे सीधे।
अब हम सिक्स्थ रो पे बैक साइड है तो ये पूरी सिलाई उल्टी रहेगी, यहाँ तक पैटर्न के फंदे उल्टे रहेंगे, ये बीच में बॉर्डर वाले फंदे हैं जो वो वैसे ही बनेंगे बॉर्डर की तरह, और ये वाले जो 16 फंदे हैं ये भी उल्टे बनेंगे, 16 उल्टे 16 उल्टे और बीच में बॉर्डर वाले फंदे। अब मार्कर को भी इधर शिफ्ट करेंगे, और फिर से तीन फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाना है बॉर्डर में। और बाकी बचे हुए 16 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो अब ये मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से मुझे दो एक पैटर्न और बनाना है, टोटल दो पैटर्न बनाने हैं। अब इसके बाद एक सिलाई सीधी आएगी, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, और बीच वाले फंदे जो है ऐसे ही कटिंग होती रहेगी और बॉर्डर बनता जाएगा। तो मैं ये एक पैटर्न और बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए दो पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। ये जो पैटर्न मैंने सीधी सिलाइयों से ही शुरू करा था और लास्ट में मैंने दो सीधी सिलाइयाँ देके इसको ख़त्म करा है, और यहाँ पे बीच में हमारे तीन फंदे बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारी ये बूटी की यहाँ से शेप आनी भी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके सीधी तरफ है, अब यहाँ पे फिर से ये बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे नीचे ये वाला बॉर्डर बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा और सीधा। सीधा फंदा नीचे से लेंगे, उल्टा फंदा सीधा नीचे से, उल्टा। तो ये जो 16 फंदे हैं ये हम इसी तरह से बॉर्डर के बना लेंगे। और अब ये मार्कर हटा देंगे और ये लास्ट कटिंग होगी अब हमारी। यहाँ पे हम फिर से वही तीन फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। अब ये उतार देंगे और अब यहाँ देखिए ये फंदा हमारा उल्टा, ये सीधा, अब नेक्स्ट फंदा उल्टा हो जाएगा हमारा और फिर सीधा। हमने चार सिलाई बॉर्डर के नीचे इसी तरह से बनाई थी, ऐसे ही हम यहाँ बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, सीधा फंदा नीचे से।
अब हम इसकी बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे भी वैसे ही बनाएंगे बॉर्डर, एक उल्टे और एक सीधे का। तो ये चार सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। एक सिलाई मेरी उधर से आ गई, एक अब इधर से, फिर एक सीधी, फिर उल्टी। तो ये चार सिलाइयों को मैं बॉर्डर बना लूँ और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हमें उल्टा उल्टा और सीधा नीचे से ही लेना है। तो अब ये मैं चार सिलाइयाँ बना के, एक अब हमारी इधर से जाएगी, फिर उधर से आएगी, फिर एक इधर से, फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये बॉर्डर वाली चार सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं और अब हम सीधी तरफ हैं और अब हम इसमें डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। दो फंदे उल्टे और फिर इस तरह से जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा करेंगे। तो फिर से जाली और दो फंदों का एक फंदा, जाली और दो फंदों का एक फंदा, फिर से जाली। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। और लास्ट फंदा उल्टा। अब हम इसके बैक साइड पे हैं और बैक साइड से ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, जाली वाले फंदे भी उल्टे बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे हम। और अब हम सीधी तरफ आ गए हैं और अब यहाँ पे इसमें शूज का ये अपर वाला पार्ट बनाएंगे। इसमें ये 5 धारी बनानी है, 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के और फिर ये अपर पार्ट रेडी हो जाएगा। तो अब ये हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से मुझे 10 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो ये सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो ये 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये 10 सिलाइयाँ हो गई हैं पूरी। अब मैं इसकी बैक साइड पे हूँ तो अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो ये धारी कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, एक धारी कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फंदों को बंद करेंगे और बंद करने का हर किसी का अपना अपना तरीका है, जैसे जिसको इजी लगता है वैसे कर सकता है। तो एक बार ये सारे फंदे बंद कर ले। अब ये मैंने स्टिच बंद कर दिए और इस तरह से ये देखिए हमारी ये बूटी रेडी हो गई है। और अब हम इसको यहाँ से इस तरह से उल्टा करेंगे और सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करते हुए और यहाँ से सिलाई करेंगे। तो ये मैं सिलाई करके डोरी डाल के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनली ये देखिए, सिलने के बाद, डोरी डलने के बाद इसका ये इस तरह से लुक बन के आया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा और पसंद आया तो आप अपने बच्चों को बना के पहनाइए। कमेंट्स करके बताइए मुझे, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए
और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।